So let us consider that there are 52 playing cards and uh, E is the probability that card drawn is a spade and F is the probability that card drawn is an S. Okay. So that the card we draw kiya, okay, a spade S, bhi ho. that is what? E and F are happening together and yes, it is possible, right? So the probability of E. If I try to calculate, then how many cards are there? As we know, there are 52 cards, and how many spades are there? So we know that there are 13 spades and 52 total cards are there. And I can say that the probability of E is 1 by 4, right? If you consider the probability of F, what is F? The card drawn is an S. Okay so how many s are there so that is 4 divided by 52 right out of 52 there are 4 s are there right okay so that can be given as 1 upon 13 right now what is e and f e and f is like e intersection of f ट मीन्स बोथ इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली तो इसको कैसे लिखेंगे द कार्ड ड्रॉन इज द एस ऑफ स्पेड ओके जो भी कार्ड हमने ड्रॉन किया है वो एस है और वो स्पेड की कैटेगरी से है सो हाउ कैन आई राइट इट सो इट विल बी आई एम ड्रॉइंग वन कार्ड आउट ऑफ फिफ्टी टू सो इट इज वन अपॉन फिफ्टी टू नाउ इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट पी ऑफ ई गिवन एफ देन नाउ आई विल पुट इट इन कैलकुलेशन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज वन अपन फिफ्टी टू पी ऑफ एफ इज ऑलरेडी गिवन विच इज़ वन अपन थर्टीन एंड इफ आई विल सिंप्लीफाई दिस देन आई विल गेट वन अप ऑन फोर बट ये वन अप ऑन फोर है वो तो एग्जैक्टली वन पी ऑफ ई है राइट ओके एंड वो मैंने यहाँ पर लिखा है सेम वे इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इवेंट एफ हैज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई राइट पी ऑफ ई गिवन एफ लिखो या पी ऑफ ई लिखो दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है इसका मतलब है कि एफ का इवेंट ई e पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है या फिर बोलो कि ई e और एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सेम वे यू डू द प्रोसीजर फॉर दिस पी ऑफ एफ गिवन ई एंड यू विल प्रूव दैट पी ऑफ एफ जितना ही उसका आंसर आएगा एंड एट कंक्लूजन यू कैन राइट इवेंट ई हैज नॉट अफेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर दे आर इंडिपेंडेंट राइट ओके नाउ नेक्स्ट इज वी कैन राइट इट इन डेफिनेशन ये सेम थिंग है वो रिपीट हो रही है राइट के ई एंड एफ आर टू इवेंट्स ऑफ अ रेंडम एक्सपेरिमेंट एंड व्हेन वी कैन से दैट दे आर इंडिपेंडेंट वो हम कब कह सकते हैं वेन द पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई मल्टीप्लाइड विथ पी ऑफ एफ तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स राइट और भी थियरी में रिमार्क्स है बट देट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर अभी हम देखेंगे दो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू में से एंड देन आफ्टर अगेन विल बैक टू सम थियरी पार्ट ओके सो थर्टीन पॉइंट टू का फर्स्ट कर रहे हैं अभी इफ p ऑफ a इज three by five, p ऑफ b इज one by five, फाइंड p ऑफ a इंटरसेक्शन b, इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट events, सो एज वी डिस्कस अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है देन इक्वेशन दैट आई शुड यूज इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी राइट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी तो बात बहुत सिंपल है पी ऑफ ए इज थ्री इंटू थ्री बाई फाइव एंड पी ऑफ बी इज वन बाई फाइव एंड माई आंसर कम्स टू थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव राइट सो ये हो गया राइट नेक्स्ट इज टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड ओके तो देखो एक ये वर्ड हमें ध्यान रखना है इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले एक कार्ड विदड्रॉ किया उसके बाद दूसरा कार्ड विद्रॉ किया कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है राइट फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Both cards are black. Okay. So, in this case, first of all, I will write down the probability. Let us say event E is the first card drawn is black. The first card drawn is black. And let us say event F is. सेकंड कार्ड ड्रोन इज ऑल्सो ब्लैक राइट ओके सो हाउ कैन आई पूट इट यहाँ पे आपको फाइंड द प्रोबिलिटी दैट बोध कार्ड्स आर ब्लैक फर्स्ट एंड सेकंड बोध कार्ड्स आर ब्लैक सो हाउ आई आई शुड राइट पहले हम पी ऑफ ई लिखते हैं सो वट इज पी ऑफ ई एज वी नो वी हैव फिफ्टी टू कार्ड्स

बाई फिफ्टी वन ओके नाउ अगेन एज यू नो इट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट सो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैन बी गिवन एज पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ट्वेंटी सिक्स बाई फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी वन एंड यू विल गेट द आंसर एज ट्वेंटी फाइव बाई वन जीरो टू तो ये हो गया आपका आंसर राइट ओके So it is very simple. Okay. Thank you.